लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या बीमार पड़ने पर पीरियड्स की तारीख प्रभावित हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आमतौर पर यही माना जाता है कि पीरियड्स में देरी हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। इसके अलावा पीसीओएस, एंड्रोमेट्रोसिस, यूट्रस में समस्या आदि वजह से भी पीरियड्स में देरी हो सकती है। यही नहीं, स्ट्रेस भी पीरियड्स फ्लो को इफेक्ट करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन कुछ ऐसी समस्याएं हैं या कहें कंडीशंस हैं जिनकी वजह से पीरियड्स में ना सिर्फ देरी होती है बल्कि हैवी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। ऐसे में सवाल उठता है, तो क्या बीमार पड़ने से भी पीरियड्स में देरी हो सकती है? पीरियड्स में देरी होने के कई तरह के कारण हो सकते हैं। इसी क्रम में हम ये भी कहते हैं कि बीमारी के वजह से भी पीरियड्स में देरी हो सकती है। गर्भाशय, ओवरी से जुड़ी बीमारियों के कारण पीरियड्स में भी देरी होती है, बल्कि सर्दी, जुखाम और बुखार के कारण भी ऐसी समस्या हो सकती है। यहां तक कि अगर किसी महिला को कोई गंभीर बीमारी है तो पीरियड्स स्किप भी हो सकते हैं। वैसे आप बात जानती होंगी कि पीरियड्स का रेगुलर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पीरियड्स अनियमित होते हैं तो बेहतर है कि आप अपनी जांच करवाएं। आपको बताते चलें कि सिर्फ पीरियड्स का स्किप होना या देरी से पीरियड्स आने का चिंता का विषय नहीं होता है। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है तो ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। इसलिए हैवी ब्लीडिंग हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पीरियड्स लेट होने के कारण, अगर महिला बर्थ कंट्रोल पिल ले रही है तो उसके पीरियड्स लेट हो सकते हैं। हालांकि बर्थ कंट्रोल पिल लेने के शुरुआती महीनों में स्थिति उलट हो सकती है, यानी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। यह सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। पेरी मेनोपॉज के कारण भी महिला को पीरियड्स की समस्या हो सकती है। पीरियड्स खत्म होने से पहले ही इस तरह के लक्षण दिखते हैं। थायराइड या डायबिटीज होने पर भी महिला को पीरियड्स से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस संबंध में जरूरी है कि आप अपनी जांच करवाएं। कभी कभी हैवी वर्कआउट करने की वजह से भी पीरियड्स पर प्रभाव पड़ता है। पीरियड्स लेट होने पर कब जाएं डॉक्टर के पास? अगर पीरियड्स अक्सर लेट से 1.5 से 7 दिनों के बाद आते हैं तो इस संबंध में आपको तुरंत डॉक्टर से आपको बात करना चाहिए। हालांकि इसके साथ साथ आपको अन्य लक्षणों पर भी गौर करना चाहिए, जैसे अचानक वजन बढ़ना, थकान महसूस होना, चेहरे पर बाल उगाना, ये सब किसी बीमारी की ओर संकेत करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।